खबर रीवा से है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी जीपी उपाध्याय ने रीवा विकास खंड के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले 11 बजे शासकीय उत्कृष्ट मावावी मातृन क्रमांक 1 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मेन गेट पर लगभग 150 छात्रों का जमावाड़ा था। इस संबंध में प्राचार्य ने बताया कि विद्यार्थियों द्वारा शनिवार के लिए निर्धारित सफेद पैंट और सफेद शर्ट ड्रेस पहनकर न आने के कारण छात्रों को सजा के रूप में स्कूल से निकाला गया है। इसे अनुचित मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रचार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय उमावी बैजनाथ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विद्यालय में दर्ज 254 में से केवल 96 विद्यार्थी उपस्थित पाए गए। विद्यालय में दो शिक्षक बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित मिले। विद्यालय में कर्मचारियों की अवकाश पंजी भी संधारित नहीं पाई गई। विद्यालय की शिक्षा पोर्टल पर मैपिंग भी पूरी नहीं थी। निरीक्षण के समय विद्यालय का परिसर गंदा पाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रचार को कारण बताओ नोटिस कर 3 दिवस में समुचित उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्राथमिक शिक्षक सुषमा मिश्रा द्वारा शिक्षक डायरी का संधारण न करने तथा विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिका का मूल्यांकन न करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय उमावी गोड़हर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय शनिवार होने के कारण विद्यालय में बाल सभा चल रही थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्माणाधीन प्रयोगशाला का निर्माण शीघ्र पूरा करने के